पाठ चार वाक्य विचार सिंटैक्स शब्दों का जब सही हो मेल बने वाक्य हम खेलें खेल। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और विचार करो। राम दूध पी रहा है। मछली तालाब में तैर रही है। यह बिल्ली है। बच्चे खेल रहे हैं। वाक्य सेंटेंस शब्दों के क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं, जिससे अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। जैसे राम दूध पी रहा है। वाक्य के भाग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो भाग होते हैं, वाक्य उद्देश्य विधेय। एक उद्देश्य सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सुरेश कोई काम नहीं करता है, राम मन लगाकर पढ़ता है। इन वाक्यों में सुरेश तथा राम के बारे में बात कही गई है, अतः वाक्य के इस भाग को उद्देश्य कहा जाएगा। दो विधेय प्रेडिकेट। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे सुरेश कोई काम नहीं करता है। इस वाक्य में सुरेश के विषय में बताया गया है, कोई काम नहीं करता है, अतः वाक्य के इस भाग को विधेय कहा जाएगा। निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा उद्देश्य तथा विधेय को समझो। उद्देश्य सीता। विधेय खाना खा रही है। उद्देश्य राम। विधेय बाजार गया है। उद्देश्य मीना। विधेय किताब पढ़ रही है। उद्देश्य राधा। विधेय नृत्य करती है। उद्देश्य मैं। विधेय अच्छा बच्चा हूँ।